यूपी के बदायूं जिले के दादागंज क्षेत्र के कुनिया रायपुर में शादी होकर आई नई दुल्हन ने अजीबोगरीब वाक्य को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक परिजनों के साथ में परिवारजनों को नशीला पदार्थ खिलाकर नई दुल्हन 9-2-11 हो गई। आपको बता दें कि कुनिया रायपुर के पप्पू ने शादी करने के लिए किसी दलाल से मिलकर शादी की बात की और 60,000 में शादी की बात तय हो गई। इसके बाद पप्पू ने अपना खेत गिरवी रख कर 60,000 दलाल को दिए और दलाल ने लड़की को पप्पू के हवाले कर दिया, जिसके बाद पप्पू लड़की को लेकर अपने घर कुनिया रायपुर में चले आए। रात को लड़की ने परिवार के सभी सदस्यों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और वह घर से सभी लोगों के मोबाइल और माल जेवर लेकर फरार हो गई, जिसके बाद पीड़ित सहित पूरा परिवार बेहोश हो गया। जब नशा थोड़ा काफूर हुआ तो पीड़ित अपनी नई दुल्हन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। शादी करके लाए थे वो कल दोपहर तक रही और शाम को 2 बजे तक चली गई घर से। अच्छा, कितने दिन पहले यहाँ रुकी? दोपहर तक रुकी थी, शाम तक रुकी। लेकिन वो रास्ते में ही कश खाकर गिर पड़ा। इसके बाद ग्रामीण घर पहुंचे तो सभी लोग बेहोशी की हालत में पड़े हुए मिले, जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र दातागंज से 2 एम्बुलेंस कुनिया रायपुर पहुंची और सभी को वहां से लाकर दातागंज स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। अभी सभी का स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार किया जा रहा है और इस मामले में गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। लाल प्रकरण में जाँच की जा रही है। बदायूं से जनमत न्यूज के लिए योगेश गुप्ता की रिपोर्ट।